वहाँ ये संजीव हंस के साथ मुझसे मिले। मेरे साथ खाने पीने की चीजों में नशीली चीजें मिला करके इन लोगों ने दोनों ने गैंगरेप किया। बिहार के एक आईएएस अधिकारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस पर महिला ने आरोप लगाए हैं और बताया है कि उसका 4 साल का बेटा आईएएस संजीव हंस का है। ये मामला पहले से चलता आ रहा है, जहां पर महिला ने पहले ये बताया था कि आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और राज्य सरकार के एक अफसर संजीव हंस ने कई सारे दिनों तक उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद वे गर्भवती हो गई और इन पर कार्रवाई के लिए इससे जुड़े दस्तावेज उन्होंने सरकार के पास भेजे हैं, हाई कोर्ट में भेजे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। 2016 की है, गुलाब यादव झंझारपुर का एमएलए था। इसने अपने आवास पे मुझे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको महिला राज्य आयोग में मेंबर बनाऊंगा, आप मेरे आवास पे अपना रिज्यूम लेकर के आइए। वहां जाने के बाद इसने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। इसके बाद ये मुझे, मैं उसी समय FIR करने जा रही थी, लेकिन इसने बोला कि मैं आपसे ऑफिशियली शादी करूंगा, FIR मत कीजिए, मैं एज ए वाइफ आपको सारा राइट दूंगा, आप वेट कीजिए, मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे करके आपसे ऑफिशियली शादी करूंगा। और इसने अभी डिवोर्स दिया नहीं दिया मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन मेरा बस शोषण किया। और ये पुणे के होटल में बुलाया कि मैंने डिवोर्स दे दिया है, आप हमसे मिलने यहाँ आइए। वहाँ ये संजीव हंस के साथ मुझसे मिले, मेरे साथ खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ें मिला करके इन लोगों ने दोनों ने गैंगरेप किया। और इसके बाद लगातार शोषण करने लगे कि तुम्हारे न्यूड फोटो हैं हमारे पास, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी, मेरे दबाव में नहीं रहोगी, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं करूँगी, तो मैं तुम्हारा न्यूड फोटो वायरल कर दूंगा। और इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा इन लोगों ने पहला अबॉर्शन कराया जबरन मेरे पहले बच्चे का, वो बकायदा मैंने कंप्लेंट में लिख रखा है, अबॉर्शन का डेट, अबॉर्शन का मंथ, जिस महीने में हुआ, ईयर वगैरह सारा चीज मेंशन है। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो इन दोनों ने बहुत प्रेशर बनाया इसके अबॉर्शन के लिए, जो अभी आर्यन मेरा बेटा बैठा था, इसका जन्म हुआ। फिर इसको इसके बाद लगातार इन लोग धमकी देने लगे, ऐसे मार देंगे, वैसे धमकियां तो आज भी मिल रही हमें कि हम न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने देंगे, इसी बीच हम आपके साथ कोई भी घटना कर देंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं उनके सामने, ये प्रभावशाली लोग हैं, ये माँ बच्चे को मार करके गंगा में डाल देंगे, लाश तक नहीं मिलेगी, तमाम धमकियां इधर उधर से देते रहते हैं। हम एडमिशन के लिए संजीव हंस से मिलना चाहे इनके आवास पे गए अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले गए होंगे, तो ये उल्टा हमको अपने लोगों से धमकी दिलवाने लगे फोन करके कि हमारे आवास पे आओगे तो हम उल्टे केस करके तुमको अरेस्ट करवा देंगे। हम सिर्फ उनको जानने के लिए गए कि आप हैं या नहीं है, वो फोन करके हमको कई बार बोले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे साथ पास, लेकिन हम वो रिकॉर्डिंग मीडिया में नहीं देना चाह रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम उस रिकॉर्डिंग को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बेटा है जब संजीव हंस, और संजीव हंस जब ये प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया मैंने जब ये दानापुर कोर्ट में केस फाइल किया तो वो काफी तरीके से प्रेशर बनाया मेरे ऊपर कि केस को किसी तरह से वापस लिया जाए। बीच में हमसे कांटेक्ट भी किए, फोन पे बातें किए, आर्यन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लेकिन ऑफिशियली नहीं आ रहे हैं। एक बच्चे का जीवन उसके फादर के बिना अनऑफिशियली तरीके से, जो खाली बंद कमरे में कहे कि मैं इसका फादर हूँ, ऑफिशियली आके न कहे, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, उसका ग्रोथ क्या होगा। मैं आज भी अनमैरिड हूँ, ऑफिशियली मैरिड तो गुलाब यादव ने तो सिर्फ अपने रेप को बचाने के लिए, बेटा है तो ऑफिशियली होनी चाहिए, पर्सनली तो नहीं कि आप बंद कमरे में आकर मेरा बेटा है आप हम शांत हो जाए, हम शांत, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको अपने बेटे का लीगल राइट चाहिए। और ये संजीव हंस एडमिट कर रहे हैं, हमको जरूरत पड़ी तो हम इनकी रिकॉर्डिंग हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक हमको न्याय मिले। हमारी ग्रीवांसेस हम गुलाब यादव तो पहला एक्यूज तो वही है, पहली बार तो रेप उसी ने किया, उसके साथ तो जो लीगल प्रोसीडिंग में होता है उसको सजा होनी चाहिए रेप केस में। शादी के लिए डाइवर्स तो होना जरूरी, लेकिन बच्चे का तो लीगल राइट उसके फादर से ही मिलेगा ना, उसका DNA टेस्ट प्रॉपर चेक होगा, जो फादर होंगे वहीं से मिलेगा। और ये चीज संजीव हंस एडमिट कर रहे हैं। यात्री जी, आखिरी बार बातचीत कब हुई थी और क्या हुई और किससे हुई? ये केस करने के बाद संजीव हंस हमसे बात करने लगे, ये आखिरी बात हमसे इनसे 2-3 महीने पहले हुई थी। ये यही कह रहे थे कि हम ऑफिशियली बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे और ये नहीं किए, इसके बाद ये बातचीत बंद किए, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था और उसके बाद से फिर कोई बात नहीं हुई हमारी। के बाद आप लोगों की मुलाकात हुई कि नहीं संजीव हंस से और गुलाब यादव?
पुणे के बाद एक इससे आर्यन से पहले मैं प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा मेरा अबॉर्ट किया गया जबरन, उसका बकायदा रिकॉर्ड वो लगा हुआ है मेरे फाइल में, रिपोर्ट लगा हुआ है। पुणे के बाद भी ये लगातार मुझे ब्लैकमेल करके गुलाब यादव, और हमेशा संजीव हंस के साथ मिलता था किसी भी होटल में, जैसे ली मेरेडियन, और भी मैंने कई होटलों का नाम ले रखा है, मेरे कंप्लेंट में है वो सारी चीजें। एक और नाम बता दीजिए। किस चीज का? मेरा गायत्री यादव। जी हाँ, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। देखिए, आवाज, क्योंकि इस समय आवाज उठा, एक आज भी आवाज उठाने के बाद, जबकि मेरा बच्चा है, उस समय सिर्फ मैं थी, अब मेरे बच्चे को ही फ्यूचर देखना है। आवाज हाँ, तो वो लगातार, मैं वही बता रही हूँ कि वो लगातार मुझे डरा कर, धमका करके, और मेरे न्यूड फोटो है उसके पास, गुलाब यादव के पास। अब डर खत्म हो गया, तभी हम आप लोग के सामने आए हुए। अब तो मारने की धमकी दे रहा, फिर भी हम पटना में, हमको धमकी दिया जाता है कि हम पटना में न रहे, हमको कभी भी हत्या कर दी जाएगी हमारी। किससे? मजबूरी थी, हमारा न्यूड फोटो रखा हुआ, हमको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, बिल्कुल बदनामी का डर। हम वकालत किए हुए हैं, लेकिन जो इस तरह से वो अभी भी पता था, ललित एक मुझे नाम याद है, बाकी और भी स्टाफ थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। अगर अब उसका, क्योंकि सर्वेंट है तो अब वो तो स्टेटमेंट देगा नहीं, लेकिन ललित से सिंदूर मंगवाया था और लगाया मुझे गुलाब यादव, बोला कि मैं कुछ दिन बाद डिवोर्स की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, क्योंकि डिवोर्स तुरंत तो होता नहीं है, 2-4-6 महीने लगेंगे, इसके बाद मैं ऑफिशियली आपसे शादी करूंगा। इस वजह से मैं एट ए टाइम FIR करने उस समय नहीं गई, उसने झांसा दिया, इसके बाद लगातार शोषण किया। जब बच्चा हुआ तो ये क्लियर कीजिए, गुलाब यादव एक्यूज है या दोनों बोथ आर एक्यूज, दोनों एक्यूज है। पहली बार गुलाब यादव बच्चा, क्योंकि संजीव हंस का है, इसे मैं DNA टेस्ट की बार बार मांग कर रही हूँ, इसलिए हाईकोर्ट में आपने क्या मांग रखा है? हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में मैंने केस फाइल किया था, जो आपको पूरा हिस्ट्री बताई अभी मैं केस का, ये सिविल कोर्ट में मैंने फाइल किया। सिविल कोर्ट तो पहले तो जांच आदेश किए कि इसमें जांच शुरू हुई, जांच की रिपोर्ट लगने के बाद, क्योंकि घटना 4 साल की पुरानी थी, इसके बाद FIR होता, तो कायदे से इसमें FIR होना चाहिए था, लेकिन सिविल कोर्ट प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर, किस इन्फ्लुएंस में आकर, ये तो माननीय SCGM दानापुर जाने ये आदेश कर दिए कंप्लेन का, जिसका मैंने आवेदन ही नहीं दिया था। मैंने आवेदन दिया था 156(3) में FIR का, क्योंकि मेरा FIR थाने ने नहीं लिया, SP ने नहीं लिया, तो एक न्यायिक प्रोसीजर होता कि इसके बाद हम न्यायालय ही जा सकते हैं, तो वहाँ भी मेरे केस को कंप्लेंट केस ट्रीट कर लिया गया, और उसमें जल्दी जल्दी डेट दे करके डिसमिस भी कर दिया गया कि खारिज कर दिया। मैंने एक विक्टिम को बुलाया, विक्टिम आई नहीं, इस वजह से हम खारिज करते हैं, उसको खारिज कर दिया गया। इस खारिज जो डिसमिस हुआ, इस ऑर्डर के खिलाफ मैं हाईकोर्ट में आई, माननीय हाईकोर्ट में से मुझे न्याय मिला, इस ऑर्डर से मैं संतुष्ट हूँ कि आज भी न्याय जिंदा है, और हम लड़ रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं आगे न्याय मिलेगा। इसका ऑर्डर यही हुआ कि आप ये जो खारिज किए, ये इतनी जल्दबाजी क्या थी, कैसे खारिज कर दिए, कंप्लेंट कैसे ट्रीट हो गया, ये जांच पूरा कीजिए, जांच का जो पुलिस रिपोर्ट लगाती है पूरा रिपोर्ट आने दीजिए, इसके बाद बच्चे का DGP को ऑर्डर किया गया है शायद कि बच्चे का DNA टेस्ट किया जाए, इसके फादर से मैच किया जाए, ताकि इस बच्चे के आगे का भविष्य देखा जाए, और मेरे जो मैंने जो एलिगेशन लगाया है इसका प्रॉपर जाँच करके रिपोर्ट पेश किया जाए कोर्ट में। ये हाईकोर्ट ने कोई टाइम बाउंड वैसे मंथ वाइज नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द रीजनेबल टाइम, जितना जल्द हो सके, 1 महीने 2 महीने जो भी, जितना जल्दी हो सके। नहीं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। नो, ललित यादव तो यहाँ गुलाब यादव। हाँ, आपने कहा कि सामूहिक मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, हाँ,
क्योंकि इस केस करने के बाद संजीव हंस एक्टिव हुए। इस केस कर 4 साल से संजीव हंस, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बच्चे का जन्म हुआ, मैंने उस समय कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वहां दिल्ली में इसका बर्थ हुआ है शालीमार बाग में, तो वहां बच्चे का आधार कार्ड तुरंत बर्थ के बाद ही बनता है, आपको फादर का आधार कार्ड चाहिए होता है। मैंने कांटेक्ट किया, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, 4 साल तक मेरे से बात नहीं किए। जब पिछली बार मैंने केस किया दानापुर सिविल कोर्ट में, और आप मीडिया वालों के सामने मैंने अपनी बात रखी, इसके बाद ये मुझे कॉल किए, मेरे से कंटिन्यू बात करने लगे। अब इनको डर होगा कि भाई डीएनए टेस्ट होगा तो मैं फंसूंगा, तो पहले ही इसको प्रेशराइज करूं। और आज भी मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं न्यायालय में दूंगी, जहाँ इनका डीएनए टेस्ट को साबित करने में वो चीज काम आएगी। तो ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि इनका बेटा है। जैसा कि आपने सुना, आईएएस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने यहां पर साफ तौर से खुलकर अपनी बातें कही हैं, पटना हाईकोर्ट में अपील की थी, और महिला का दावा है कि सीनियर आईएएस संजीव हंस उसके बेटे का पिता है। इसका सबूत भी उनके पास है, ऐसा उनका कहना है, जिसमें आईएएस संजीव हंस ने खुद स्वीकार किया है कि बच्चा उन्हीं का है। अब ये मामले में देखने वाली आगे पूरी बातें होंगी। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए इन खबर के साथ।